हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर एस एस चौहान एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान मैथ्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस यूनिकनेस ऑफ लिमिट। सो लेट अस बिगिन विद यूनिकनेस ऑफ लिमिट कि वन फंक्शन की टू लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे। हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग है इसकी यूनिक नेस ऑफ लिमिट। वन फंक्शन कैन नॉट हैव टू डिफरेंट लिमिट्स। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल वन एंड सेम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एल टू, देन वी हैव टू प्रूव दैट एल वन इज इक्वल टू एल टू, बिकॉज फंक्शन इज वन सो लिमिट विल ऑल्सो बी वन। देयर कैनॉट बी टू डिफरेंट लिमिट्स ऑफ वन फंक्शन। सो हियर इज द प्रूफ। आप बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा, बड़ा अच्छा इजी प्रूफ है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल वन ये गिवन है, तो हमें इसकी रिगरस डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। रिगरस डेफिनेशन का इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ हमने, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उस डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने उसमें दिया हुआ है। सो वही डेफिनेशन हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो वो डेफिनेशन ये है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा वन, क्योंकि इस बार हम टू लिमिट्स डिस्कस करने वाले हैं तो दोनों लिमिट्स में डेल्टा में फ़र्क डाला जाता है। एप्सिलॉन तो सेम रहता है लेकिन डेल्टा में फ़र्क डालते हैं, डेल्टा वन और डेल्टा टू, हमें टू नंबर्स लिखने पड़ेंगे। सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन एंड इट इज पॉजिटिव नंबर सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल वन, ये एफ एक्स माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन, ये हमने डेफिनेशन ऑफ लिमिट से लिख दिया है। ये स्टेप वन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ के बाद हम दूसरी लिमिट जो हमने एल टू दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल टू, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फॉर गिवन एप्सिलॉन वही डेफिनेशन ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल भी लिख दें तो एच एस, यहाँ भी एच एस लिख दें तो अच्छा है। हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट्स रियल डेल्टा टू डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट द फॉलोइंग थिंग हैपेंस। मॉड एफ एक्स माइनस एल टू, ये एफ एक्स माइनस एल टू लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा टू, ये आपका इक्वेशन नंबर टू रेडी हो गया। उधर हमने लिमिट ऑफ एफ एक्स डिस्कस की, यहाँ पर लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एल टू डिस्कस किया। वहाँ एल वन डिस्कस हुआ, यहाँ पर एल टू डिस्कस हुआ। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा वन और यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा टू, ये दो डिफरेंट डोमेन्स में आपके ये वाले रिजल्ट्स वैलिड हैं, इन वाले रिजल्ट्स की वैलिडिटी टू डिफरेंट डोमेन्स में है। हमें इन दोनों की डोमेन को सेम करना पड़ेगा तभी इन रिजल्ट से कुछ कंक्लूजन निकल सकता है कि ये रिजल्ट इस डोमेन में वैलिड, ये सेकेंड रिजल्ट इस वाली डोमेन में वैलिड है। तो इन रिजल्ट्स का
जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन वो डिफरेंट है, इसीलिए ये चूज किया जाता है। चूज डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू। ऐसी सिलेक्शन करने से आपका डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों को आप डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हो। और फिर क्या हुआ, वन कॉमा टू टुगेदर दे विल गिव यू द फॉलोइंग रिजल्ट एंड दैट विल बी यूज्ड इन फ्यूचर। इक्वेशन नंबर वन एंड टू बिकम वैलिड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। देखिए इक्वेशन नंबर वन का रिजल्ट ये हमने यहाँ कॉपी किया, मॉड एफ एक्स माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड एफ एक्स माइनस एल टू, ये वाला रिजल्ट लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इस तरह से दोनों रिजल्ट्स का, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, दोनों रिजल्ट का डोमेन सेम हो गया। ये देखो डोमेन सेम हो गया बिल्कुल, इसलिए आप इन दोनों रिजल्ट्स को एक साथ यूज कर सकते हो किसी भी रिजल्ट को निकालने के लिए। इनका एक साथ साइमल्टेनियस यूज हमको अलाउ हो गया। सो हियर इज द फाइनल स्टेप। नाउ वी कंसीडर मॉड एल वन माइनस एल टू फ्रॉम आवर साइड। ये थोड़ा याद सा रखना होता है क्योंकि हमें एल वन इक्वल टू एल टू प्रूव करना है, इसलिए ये चीज अपनी तरफ से लिखनी है। नाउ वर्ड वी मे सप्लाई एंड देन वी कैन राइट एल वन। इसमें आप एफ एक्स सबट्रैक्ट कर दें और एफ एक्स को ऐड कर दें, माइनस एल टू को कॉपी कर दें। ध्यान से देखें ये बैलेंस अनचेंज्ड, लेकिन एफ एक्स का सबट्रैक्शन और एडिशन ये थोड़ा ध्यान भी याद रखना होता है, क्योंकि ये हमने इसलिए किया कि इक्वेशन नंबर वन ए और टू ए को यूज करना है, इसलिए ऐसा किया गया है। सो दिस इज यू कैन से ए दिस इज बी, तो मॉड ए प्लस बी, शायद आपको रिजल्ट पता होगा रियल नंबर से, मॉड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। तो उस रिजल्ट को फॉलो करके हम इसे लिख सकते हैं मॉड एल वन माइनस एफ एक्स प्लस मॉड एफ एक्स माइनस एल टू, वी कैन राइट। इसमें फर्दर थोड़ा सा डिफिकल्टी ये आ गया कि मॉड एल वन माइनस एफ एक्स आ गया, जबकि हमारे पास यहाँ एफ एक्स माइनस एल वन अवेलेबल है। इस वजह से इसे भी चेंज कर दूँ, मॉड ए माइनस बी और मॉड बी माइनस ए ऑलवेज इक्वल होते हैं। उस रिजल्ट को फॉलो करके हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं, वी कैन राइट एफ एक्स माइनस एल वन प्लस एफ एक्स माइनस एल टू नीड नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन टू ए में एज इट इज अवेलेबल है। अब देखिए इक्वेशन नंबर वन ए क्या कहती है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, मॉड एफ एक्स माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन और मॉड एफ एक्स माइनस एल टू ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन फॉर व्हाट, फॉर दिस डोमेन जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन आने वाला है, यूं तो टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन डैश के इक्वल होता है और टू एप्सिलॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारे जो ऑथर्स हैं एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर एप्सिलॉन लाना रिकमेंड करते हैं कि ये टू एप्सिलॉन थोड़ा अच्छा नहीं लगता, प्रेटी नहीं लगता, इस वजह से इसे एडजस्ट करके एप्सिलॉन के इक्वल लाया जाता है। ये एप्सिलॉन तब आ सकता है जब हम यहाँ पर एप्सिलॉन बाय टू कर दें, यहाँ पर एप्सिलॉन बाय टू कर दें। एज ए रिजल्ट हमारी प्रीवियस इनइक्वालिटीज में भी जहाँ भी एप्सिलॉन दिखाई पड़ता है वहाँ हमें वापस जाके एप्सिलॉन बाय टू करना पड़ेगा। ये हमने पहले एप्सिलॉन बाय टू इसीलिए नहीं लिखा कि इसी जंक्शन पर आपको पता लगे कि एप्सिलॉन बाय टू लिखते क्यों हैं, क्या रीजन है। एप्सिलॉन बाय टू ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक्सपर्ट्स हमारे जो रिकमेंड करते हैं कि भाई एप्सिलॉन बाय टू लिखते चले आइए,
सो वी विल राइट दैट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन बाय टू कर दीजिए, जहाँ भी आपने एप्सिलॉन लिखा हुआ है इक्वेशंस में वहाँ वहाँ एप्सिलॉन बाय टू लिख दीजिए। हमने थोड़ा सा पहले भी एप्सिलॉन यूज किया हुआ, देखो यहाँ पर इनक्वालिटी में, इसे भी एप्सिलॉन बाय टू कर देना है, इसे भी एप्सिलॉन बाय टू कर देना है, और एडजस्ट करके फाइनल रिजल्ट हमें एप्सिलॉन जनरेट करके देना है। तो एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू, ये आपका आ गया एप्सिलॉन। तो अब आउटकम ये हुआ, यहाँ तक का रिजल्ट ऐसा हो गया कि मॉड L1 माइनस L2 इज लेस देन, ये लेस साइन वैलिड है, इसके बाद कितने भी इक्वल साइन लगा दो लेस साइन वैलिड है, तो लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका मीनिंग समझिए, इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ L1, एक्स टेंड्स टू ए कहाँ से आया, इस डोमेन से, ये डोमेन ये चीज कहती है एक्स अप्रोचेज ए, वो मैंने लिख दिया, और लिमिट किसकी है L1 की, और लिमिट है कितनी L2। अगर डेफिनेशन ऑफ लिमिट में जाएं तो इसका यही मीनिंग निकलता है कि एल मॉड L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो लेस देन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा का मीनिंग निकलता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये तो मीनिंग हो गया इस डोमेन का, और लिमिट किसकी है L1 की, और कितनी लिमिट है L2 लिमिट है, ये मीनिंग हो गया। अब L1 एक नंबर है, फिक्स नंबर है, ये किसी और की लिमिट है, इसलिए इसमें एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये फ्री हो गया, फ्री होने की वजह से L1 हो गया, L1 इज इक्वल टू L2, L1 कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की लिमिट L1 होगी, तो L1 इक्वल टू L2। इस स्टेज पर आकर ये फुल्ली आराम से करेक्ट प्रूफ हो गया है, और यहीं पर इस वीडियो को हम बंद करते हैं। आपको समझ में ज़रूर आया होगा, आप इसे धीरे धीरे नोट कर लें वीडियो को बीच बीच में होल्ड करके, और फिर आप एग्ज़ाम में इसको लिख के आए, बहुत अच्छा प्रूफ है। आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और औरों को भी, फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करा दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।